फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ वेस्ट ऑफ वंडर, जो दिल्ली के राजीव गांधी स्मृति वन जो सरायकालेका के पास है वहाँ बना हुआ है। करीब 150 टन स्क्रैप मटेरियल से वर्ल्ड के 7 वंडर एक ही साथ एक ही जगह पे बना रखे हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा रियल लगते हैं। और जब वहाँ लाइटिंग होती है तो क्या ही ब्यूटीफुल व्यू होता है वहाँ से। वो सारे 7 वंडर्स बिल्कुल रियल लगते हैं जब वहाँ लाइटिंग होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, किस टाइम वो ओपन होता है, किस टाइम क्लोज रहता है, कब ऑफ होता है, क्या टिकट है। तो मैं ये सारी चीज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिए और एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको वेस्ट ऑफ वंडर में। वेस्ट ऑफ वंडर जाने के लिए आपको दिल्ली के सरायकालेका मेट्रो स्टेशन पे आना होगा। वहां से 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे बना हुआ है वेस्ट ऑफ वंडर। यह है वेस्ट ऑफ वंडर का फ्रंट। फ्लाईओवर के जस्ट बगल में है वेस्ट ऑफ वंडर। यहां पे आप कैश और ऑनलाइन दोनों मीडियम से टिकट परचेज कर सकते हैं। अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले कोरोना वॉरियर का एक स्टैचू दिखता है, जिसमें कोविड की गाइडलाइंस लिखी गई हैं। पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और रास्ते काफ़ी ज़्यादा साफ हैं। तो पार्क में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो मिस्र के गिज़ा में है। और इसकी हाइट 18 फीट है और इसकी ओरिजिनल हाइट 445.4 फीट है। और इसकी खासियत यह है कि ये 7 वंडरों में से सबसे ज़्यादा विजिट करे जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है। तो अगला वंडर है हमारा द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो इटली के पीसा में है। और ये इतना बड़ा टावर एक साइड से झुका हुआ है, तो इसके टॉप में एक बेल लगी हुई है, इस वजह से इसे बेल टावर भी कहते हैं। तो अगला वंडर है हमारा एफिल टावर, जो फ्रांस के पेरिस में है। तो ये 60 फीट का एफिल टावर कम्प्लीटली वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा रियल लगता है देखने में। तो अगला वंडर है हमारा क्लोजियम, जिसकी हाइट 15 फीट है और ये इटली के रोम में बना हुआ है। और ये मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर 65,000 बंदे एक बारी में समा सकते हैं, 65,000। और ये भी पूरा कम्प्लीटली वेस्ट से बना हुआ है, टीन और अदर लोहे के सामान से। तो अगले वंडर को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये है इंडिया की शान और हमारी पहचान, द ताजमहल। ये इंडिया के आगरा में बना हुआ है। इसकी हाइट 20 फीट है और इसकी ओरिजिनल हाइट 240 फीट है। और इसकी खासियत यह है कि 7 वंडरों में भी नंबर 1 पे है और टूरिस्ट विजिट के हिसाब से भी ये सेकंड नंबर पे आता है। तो अगला वंडर है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो यूएसए के न्यूयॉर्क में बना हुआ है। इस वंडर की ये खासियत है, ये फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फ्रांस ने ये वंडर अमेरिका को अपनी फ्रेंडशिप के लिए बना के दिया था। दो छोटे भाई थे, उन्होंने मेरे हाथ में गोप्रो देखा, उन्होंने पूछा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने बताया तो उन्होंने सब्सक्राइब कराया। अगर वो देखेंगे फ्यूचर में मेरी वीडियो तो उनको थैंक यू यार, आप सपोर्ट कर रहे हो ऐसे। तो अब हमारा लास्ट वंडर आता है, अगला वंडर आता है रियो रेडिमर, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। और ये भी दिखने में काफी ज्यादा रियल लगता है स्टैचू, और इसके पीछे ताला बना रखा भाई कुछ सामान रखने के लिए। इंडिया वाले भी एक तो जुगाड़ू इतने बड़े की वंडर लोहे से बना दिया और उसके पीछे ताला लगा रखा है कि कुछ सामान भी रख लेंगे। अभी तक तो जितना घूमा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है घूमने में, काफ़ी ज़्यादा यूनिक यूनिक सी चीज़ें देखने को मिल रही है कि ऐसा लोहे से भी स्क्रैप से भी ऐसा कुछ बन सकता है। 7 वंडरों में आती है वो चीज़ इन्होंने लोहे से स्क्रैप से बना दी है। और अभी लाइटिंग जल जाएगी फिर आप कमाल देखना। अब बस इनका एक नाइट व्यू आपको दिखाना बाकी है। 6:30 बजे क्या लाइटिंग होती है यहाँ पे, तो कब 6:30 बजे और कब नाइट व्यू चालू हो। तो मैं तो आ गया था अभी फूड कोर्ट में, एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया और एक चिप्स ले लिया। रात का इंतजार करते हैं कैसे दिन ढलता है, रात होती है और लाइटिंग होती है और क्या बढ़िया व्यू होता है। तो भाइयों, ये था वेस्ट ऑफ वंडर का पूरा टूर, जिसमें मैंने टिकट, टाइमिंग, प्लेस, हर चीज़ के बारे में ब्रीफ कर रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।